गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले आपको फिफ्थ पार्ट पढ़ाया गया था, आज आपको सिक्स पार्ट पढ़ाया जाएगा। फिफ्थ पार्ट में आपको बताया गया था कि लेखक जब विदेश जाकर वापस आता है तो उसकी दादी माँ का बिहेवियर उसके साथ कैसा होता है। चलिए बाकी का पार्ट देखते हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर। लेखक आगे कहते हैं इन द इवनिंग यानी शाम के समय एक नया परिवर्तन उनमें मुझे दिखाई देता है। शी डिड नॉट प्रे। अब वो प्रार्थना नहीं कर रही है, यानी लेखक ने अभी तक जब भी दादी को देखा था वो प्रार्थना ही किया करती थी, पूजा अर्चना किया करती थी, लेकिन इस समय वो पूजा या प्रार्थना नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द वुमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। उन्होंने आसपास की जो महिलाएं थी उनको इकट्ठा किया था, गॉट एन ओल्ड ड्रम एक पुराना ढोलक लिया था, ओल्ड ड्रम मतलब पुराना ढोलक, एंड स्टार्टेड टू सिंग और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डाइलिपेटेड ड्रम एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। काफ़ी घंटों तक वे लोग फटे हुए ढोल को पीटती रही, इसका मतलब हो जाएगा फटे हुए ढोल को पीटती रही, एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। We had to pursue her to stop to avoid overstraining. We had to pursue her, यानी हमने उन्हें मना किया to stop to avoid overstraining, कि वो इतना ज़्यादा जोर ना डाले, यानी इतना ज़्यादा खुद पे स्ट्रेस ना ले। That was the first time, ये पहला अवसर था since I had known her that she did not pray. जब मैं जानता हूँ या मैंने जाना कि उन्होंने इस क्षण प्रार्थना नहीं की है, यानी उसने पूरे टाइम हमेशा उन्हें जीवन भर प्रार्थना करते ही देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकिंग इल। अगले सुबह क्या होता है, जो दादी जी हैं वो बीमार पड़ जाती हैं। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उन्हें हल्का बुखार था, माइल्ड मतलब होता है हल्का, फीवर मीन्स बुखार। इट वॉज अ माइल्ड फीवर यानी उन्हें हल्का बुखार था, एंड द डॉक्टर टोल्ड अस और डॉक्टर ने हमसे कहा भी था दैट इट वुड गो कि ये ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन जो मेरी दादी माँ थी उन्होंने कुछ अलग ही सोचा था। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंत है वो करीब है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे। वो कहती हैं कि उनके जीवन के कुछ अंतिम ही घंटे बचे हैं, उनके जीवन का जो चैप्टर है वो खत्म होने वाला है, इसलिए उन्होंने पिछले कुछ घंटों से प्रार्थना भी नहीं की है। इसलिए वो कहती हैं शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी टाइम, एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। इसलिए वो कहती हैं जो पिछले कुछ घंटे बीते हैं उससे मैंने प्रार्थना अर्चना नहीं की है, इसलिए मैं आप लोगों से बातें नहीं करूँगी और आगे क्या करूँगी, आगे मैं प्रार्थना ही, पूजा अर्चना ही करूँगी। वी प्रोटेस्टेड, प्रोटेस्ट मीन्स होता है विरोध करना, हमने विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड अवर प्रोटेस्ट, इग्नोर मतलब होता अनदेखा करना, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। वो बिस्तर पर आराम से चैन से लेट गईं और अपनी माला को जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, जब हमें इस बात का संदेह हुआ, सस्पेक्ट मीन्स होता है शक, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, कि उनके होठों ने हिलना बंद कर दिया है, एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो माला है वो उनकी निर्जीव उंगली से नीचे गिर गई है। अ पीसफुल पैलोर स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। और हमने देखा कि उनका जो चेहरा है, जो शांत चेहरा है, वो पीला पड़ गया है, उसे पीलापन छा गया है, तो हम समझ गए कि वो मर चुकी हैं। ये आपका पार्ट आज का था, इसके आगे का पार्ट आपको कल पढ़ाया जाएगा। थैंक यू सो मच।